हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो बस गाइस, अभी थोड़ी देर पहले ही रौनक मैं उठ गए थे, क्योंकि जाना है हमने शादी पे। और बस मैंने कल, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला गाइस, भाग दौड़ के चक्कर में मैंने कोई कलर नहीं करा था। सबसे मेन चीज़ होती है एक थ्रेडिंग और एक कलर। थ्रेडिंग मैंने करा ली थी लेकिन कलर मेरा रह गया था, मैंने फटाफट से खुद ही घर में कर लिया। वैसे मैं आगे भी घर पर खुद से करती हूँ, लेकिन अभी भी मैंने अभी अभी जस्ट करा है। अभी सोच लो कि अभी जाना है शादी पर, मैंने अभी कलर कराया बालों में। तो बस रौनक के कपड़े रेडी हो गए, मेरे भी कपड़े रेडी हो गए, और चीना ने कर दिया हमारे साथ धोखा। चीना ने एट अ टाइम मना कर दिया, मैं नहीं जा रही, मेरा उठने का मन नहीं कर रहा, तो वो नहीं जा रही गाइस। तो अभी रौनक और मैं जा रहे हैं फिलहाल, और उसका नहीं मूड हो रहा, तो क्या ही कह सकते, कोई बात नहीं। पहले उसको लग रहा था कि मैं जाऊंगी, परसों भी बोला, कल भी बोला, लेकिन अभी उसने एट द मोमेंट मना कर दिया। तो कोई नहीं, उसको सोने का मन कर रहा है, तो कोई नहीं, अपना सो रही है आराम से। तो बस अभी थोड़ी देर में हम निकल जाएंगे रौनक में, बस रेडी होंगे। क्या हो गया? हंस क्यों रहा है? पता नहीं, कुछ लेट ही हो गया भाई, सब सच्चे वाले। अच्छा गाइस, हम लेट हो जाते हैं, हमारा काम है ये, तो कोई नहीं, चले जाएंगे। खानदान के हमारे खून में है, हमारे खून में लेट हो हमारी खून में हमारा है। कभी भी जल्दी नहीं जाता कहीं चीना की शादी में गाइस, हम टाइम पे पहुंच जाए, ये बहुत बड़ी बात है। एंगेजमेंट पे इतनी लेट पहुंचा चीना, तेरी खुद हमारे पीछे पीछे चीना पहले बैठी हुई थी, ज्यादा मत बोल। अच्छा नहीं, हमेशा हाँ, तो होता है। उसको मिलके आए थे हम ऊपर जाके। तो बस अभी रेडी होते हैं गाइस, तो अभी मिलते हैं आपसे दोबारा। तो गाइस, मैं तो तैयार हो चुका हूँ। मैंने ये सूट पहना है, ये मतलब ये ब्लेजर पहना है, ये ग्रे कलर का, और साथ में ब्लैक शर्ट है। मम्मी अभी तक तैयार नहीं हो गया, वही जा रही है मम्मी, वही जा रही है। तो गाइस, मम्मी तैयार हो चुकी है फाइनली। ये साड़ी मम्मी ने पहनी है। हाँ, तो गाइस, मैं आप देख सकते हो, मेरी ये शादी की साड़ी है जो मैंने बियर करी है, और ये सेट पहन लिया। आपकी शादी की मतलब शादी के दिन की नहीं, वैसे अच्छा। मतलब इस साइड की शादी, ससुराल साइड। अच्छा, ससुराल की साड़ी वैसी है, और साथ में इयररिंग्स पहनी हुई है। तो गाइस, अब हम बस निकलने लगे, निकल लूं मम्मा। हाँ, तो बस अभी ऑर्डर, अभी तो हमने वो करनी है बुक, अभी कैब बुक करेंगे गाइस, क्योंकि कैब में जाएंगे और कैसे जाएंगे। तो पहले चीना ने जाना था, उसने अपनी गाड़ी लेके जाना था, लेकिन वो नहीं जा रही अभी, तो फिलहाल हमें कैब करनी पड़ रही है। तो बस अभी पहुँच जाएंगे वहाँ पे, तो गाइस वहाँ जाके हम आपको मिलते हैं। गाइस, हम फाइनली पहुंच चुके हैं बैंकेट हॉल में, अंदर चलते हैं और कह देंगे सॉरी, माफी मांग लेंगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वो तो बात कर ही लेंगे। गाइस, ये रहा बैंकेट हॉल। अभी कर रहे हैं मम्मी और मैं खाना पीना, ये है भल्ले पापड़ी, मैं खा लूंगा खा लूंगा। और यहाँ का अरेंजमेंट गाइस बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो, बहुत बड़ा बैंक्वेट हॉल है, बहुत अच्छा है गाइस। सब लोग धीरे धीरे करके फेरों से वापस आ रहे हैं, क्योंकि तो गुरुद्वारे गए थे सारे के सारे, तो अभी सब वापसी में आ रहे हैं। और अभी ये होगी दुल्हन की एंट्रेंस, जो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। आपको सही लग रही है कॉफी? नहीं, मेरे को, मैंने पी नहीं। ठीक है, सही लग रहा है आपकी साड़ी, वेलकम।
पटाखा लग रही है ना यार, बहुत सुंदर है। सीरियसली लड़की बहुत सुंदर है, तेरी तरह हम भी ऐसी ढूंढेंगे हम, ठीक है? पहले बात कर लूं भाई से वही। हाँ तो गाइस लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है, सीरियसली बोलते हो, और इतने प्यारे की तरह देखते रहो देखते रहो देखते रहो, है ना तेरी बड़ी प्यारी लग रही लड़की से। अभी दीदी से मिलना है? हाँ मिलेंगे ना, थोड़ा सा वो बैठ जाना वहाँ पे। अच्छा ठीक है। गाइस देखो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है वैसे, है ना? ठीक है। गाइस दीदी और जो क्या कहते हैं अंकल जी, और वो वरमाला डाल रहे एक दूसरे को। दोबारा शादी हो रही है, दोबारा शादी हो रही है, दो दो शादी एक साथ, दो दो शादी एक साथ। आज हमने दो शादी देख ली मतलब। तो गाइस फंक्शन सारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे सारा फोटो शूट बस खत्म ही हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। अभी घर चलते हैं गाइस, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, अंधेरा भी होने वाला है बाहर देखो, और फिर रिक्शा वगैरह गाड़ी वगैरह मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। और हमें इनविटेशन भी आया उनके घर आने का, गुस्सा हो गए थे हमसे। हाँ हम एक बार भी उनके घर पे नहीं रहते ना, तो गुस्सा हो गए थे, अभी हम लोग घर पे जाके मनाना पड़ेगा। बस अभी जाएंगे घर पे और देखते हैं। गाइस देखो बाहर से कितना अच्छा लग रहा है, बैंक्वेट हॉल बढ़िया लग रहा है, वाटरफॉल बढ़िया लग रहा है ना, बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है। कैसे आए हमारे सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप? हम शादी पे गए थे इसलिए मिल नहीं पाए टाइम पर। अच्छा वेट किया हमने, कोई ना सही टाइम पे मिल गए, एकदम हम आ ही रहे थे बस, अब जा रहे थे। गाइस हम लोग घर पे आ गए थे जस्ट अभी अभी, और हमें आते ही मिला एक सरप्राइज, और वो सरप्राइज ये था कि हमारे एक यूट्यूब फैमिली है और हमारे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं, और वो मिलने के लिए आए थे, वो मिलके जा रहे थे यहाँ से, बट बाय चांस हमारा किस्मत में था मिलना, तो वहाँ बाहर रोड पे हमें मिल गए, फिर मैं वापस लेके आई उनको, थोड़ा सा बातचीत हुई और उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और वो बॉम्बे से आए थे गाइस, और हमारे लिए लेकर आए हैं बहुत प्यारा गिफ्ट जो मैं आपको दिखाऊंगी, और बहुत अच्छा लगा गाइस उनसे मिलके, और इतने पॉजिटिव बातें कर रहे थे ना वो, और उनकी बेटियाँ आई थी साथ में, और एक बच्चा भी आया था साथ में, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। दूर से हमसे कोई मिलने के लिए आता है गाइस और अपना प्यार दिखाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस अभी भी हम लोग आए थे, अभी कपड़े कपड़े चेंज करेंगे, थकावट इतनी हो रही है कि कुछ करना नहीं है गाइस, वहाँ जाके सिर्फ बैठे हैं सज गए, लेकिन फिर भी इतनी थकावट से लग रही है। मैं सोच रही हूँ कि इतनी थकावट क्यों हो रखी है, रोना तो लेटा पड़ा है हमसे, ऐसे बहुत सारा काम करके आ रहा भाई। तो बस अभी कपड़े कपड़े चेंज करेंगे, अपना काम करेंगे गाइस। तो गाइस मुंबई से हमारे सब्सक्राइबर आए हैं, वो हमें देकर गए हैं बीकानेर का ये गिफ्ट हैम्पर। गाइस आप देख सकते हो कि हमें मिला है ये गिफ्ट हैम्पर, इसमें इतनी सारी चीजें हैं। बहुत ही जल्दी, क्या नाम था उनका? नाम नेहा शाह, शाह शाह था। हाँ जी नेहा शाह। हाँ जी पक्का? हाँ जी नेहा शाह, तो उनका नाम नेहा शाह है, वो बॉम्बे से आए थे गाइस, और सबसे मिलके बड़े प्यार से हमें गिफ्ट दिया है, घर में सबसे मिलके गए हैं और सबको गिफ्ट देकर गए हैं। तो मेरे को जाते थे बाई चांस मिल गया, अगर मैं और दो मिनट उसी ऑटो में आ रहे थे वो। हाँ हम ऑटो में आ रहे थे, हम ऑटो में जैसे रुके हाँ। उनको भी ऑटो चाहिए था, तो फिर इकट्ठे मतलब हम निकले, हम तो वापस लेकर आए, थोड़ा सा बातचीत की, तो ये वो हमें ये गिफ्ट हम पर पहले से देके गए हुए थे, क्योंकि हम नहीं थे घर पे, फिर भाभी वगैरह को देख गया था कि निकी आएगी और ऑनर आएगी तो उनको दे देना। तो मैं उनका बहुत 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 थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ कि आपका इतना प्यार मिल रहा है और आप इतनी दूर से एक दिल से मिलने के लिए आए हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, और ये आपका बहुत ही प्यारा गिफ्ट है, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। अभी खोल के देखते हैं, फ्लावर लगा यार, खोलने का मन नहीं कर रहा इसको, नहीं खोलना था पड़ेगा, एक्सपायर हो जाएगी चीजें, एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन ये बहुत ही प्यारा प्यारा गिफ्ट है, सही बात है।
ये है झूठी नंबर वन, इसने मेरे को दिया ये इसने सुबह मेरे को धोखा दिया एट द मोमेंट। इसने बोला मैं जाऊंगी, कल तक पूरी तैयारी थी इसकी, परसों भी तैयारी थी और सुबह कह रही है आप पे सो जाओ, सुबह कह रही है आप पे सो जाओ, मेरे को नहीं खाना आराम से। आप क्या कर रहे हैं, आप भी आके मजा आया? से हां अच्छा लगा, सही था। हां बहुत अच्छा फंक्शन दिख रहा है, ये कोई साड़ी अच्छी लग रही है, सही लग रही थी। हां अभी डालूंगी धीरे धीरे, देखिए मेरे को ब्लॉग के बाद डालोगे? हां ना? नहीं नहीं वो पहले डाल दूंगी, ब्लॉग के बाद डालो ना, ब्लॉग के बाद ना। हाँ तो लोग को ज्यादा होगा ना एक्साइटेड में ब्लॉग देखने में। अच्छा तो ये गाइस इसको समझाओ थोड़ा सा कि ऐसे नहीं करने का। गाइस कब तक आखिर कब तक? दो महीने के मेहमान है लड़की हमारे घर में, इसको जितना हम मार सकते हैं हम मार सकते हैं, है ना भी? उसके बाद ये हाथ भी नहीं आएगा, इसका पति सामने खड़ा है, कौन मेरी बीवी को हाथ लगाएगा? सामने तो आए कम से कम वो कुछ नहीं होता। ए, मारो मारो मारो, मेरी तरह से भी चार बार मारो, मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा, तू भी कर ले, मार दे, मैं तो 5-10 लगा ही दो हल्के यार। मेरा फेवरेट चोको पाई निकल चुका है इसके अंदर से, जो 2 मिनट के अंदर खत्म होएगा पूरा पैकेट। अब कब से बोल रहा है खोलो 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 खोलो, मैंने कहा रहने दे मत खोलो, नहीं नहीं खोलो। कितनी अच्छी लग रही है मम्मी को, अच्छी लग रहा है ये गाइस, है ना? इतने प्यार से लेके आया, क्यों खराब करने? वही तो ऐसे सामान निकला है इसमें, बहुत ही अच्छा मतलब गिफ्ट है, बहुत ही प्यारा सा। केक रस भी है कि अभी खाएंगे चाय के साथ, मन से दिया उन्होंने, जो भी दिया अपना जो प्यार दिया ना वो सबसे बढ़कर है, तो बहुत अच्छा लगा उनसे बात करो उनसे मिलकर। पूछी महारानी हो गए नमक पारे पूरे तेरे? तो गाइस नमक पारे खाने के लिए बैठी है रौनक के साथ और चीना के साथ, और इसको ये है कि मेरे को अभी और चाहिए, देखो ऐसे सामने आके क्यों बैठ गई है मेरे? सूर्य लगा रही सूर्य नमस्कार। भाई मेरा चश्मा छोड़ दे, बड़ी मुश्किल से बना है वैसे ही। हाँ नहीं तो बैठ गई है मस्जिद के हैं। हाँ मॉडल देख इसको चाट मत, मैं मारूंगी तेरे को, मार इसको। ओके तो गुड नाइट गाइस, ओके तो गुड नाइट गाइस, इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत यहीं करते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ एक नई सुबह के साथ, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए गाइस, और आपका सपोर्ट प्यार साथ और आपकी ब्लेसिंग के लिए थैंक यू सो मच, इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी है निक्सन रौनक के नाम से, तो प्लीज जाके हमें फॉलो कीजिए, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जाके हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।